पूर्णिया में पंचायत चुनाव के मतगणना का कार्य कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच चल रही है। मेन गेट से मतगणना स्थल तक पूरी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पूर्णिया के डीएम और एसपी ने मतगणना स्थल पर पहुंचकर मतगणना कार्य का जायजा लिया। हम बता दें कि 29 तारीख को हुए बनमनखी के चुनाव का मतगणना चल रहा है, जो 1 और 2 अक्टूबर को चलेगा। फिलहाल जो रिजल्ट अभी तक सामने आया है वह यह है कि बनमनखी प्रखंड के नौलखिया पंचायत से संजय यादव, गंगापुर पंचायत से नविता देवी, चांदपुर भंगा से भीखनराम, सहुरिया पंचायत से रामवती देवी, अभयराम चकला से सबनम देवी मुखिया पद के लिए विजय घोषित हुई हैं, जबकि जिला परिषद क्षेत्र संख्या 1 के लिए रिंकू कुमारी जीत दर्ज की है। ये बनमनखी प्रखंड का जो निर्वाचन संपन्न हुआ था 29 तारीख को, उसकी काउंटिंग की शुरुआत आज हुई है। आज और कल 1 अक्टूबर 2 अक्टूबर 2 दिन निर्धारित है। 6 अलग अलग पदों के लिए सैकड़ों की संख्या में उम्मीदवार हैं और पद भी हैं, तो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। सभी 6 अलग अलग कैटेगरी में जो पद हैं उसके लिए शांतिपूर्ण तरीके से अभी मतगणना का कार्य जारी है। जैसे जैसे रिजल्ट प्रकाशित होगा मीडिया को भी सूचना दी जाएगी, जो प्रत्याशी यहाँ पर आए हुए हैं उनको भी सूचना दी जाएगी। मतदान केंद्र पर सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की गई है। लगातार 24x7 यहाँ पर हमारे सुरक्षाकर्मी रहेंगे, शांतिपूर्वक मतदान।